Hello you beautiful people, if you are new to my channel, hi, I'm Sonam and I make makeup, travel and lifestyle videos. So guys, in this video we are gonna create this easiest soft brown smoky eyes. इसको create करना बहुत ही आसान है and if you are a beginner, you are a teenager, आप आराम से इसको कर सकते हो. सो गाइज, इफ यू वांट टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक, सो कीप ऑन वॉच. सो मैंने अपने फेस पे पहले से ही मॉइस्चराइजर लगा लिया है एंड फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी प्राइमर. दिस इज अ हाइलाइटिंग प्राइमर. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस प्राइमर, मैंने पहले बात कर रखा है हाउ गुड दिस प्राइमर इज. ये अच्छे से आपके फेस को प्राइम कर देता है, साथ में एक शीन, एक ग्लो प्रोवाइड करता है, तो आपकी फाउंडेशन के अंडरनीथ ये बहुत ही प्यारा लगता है. तो डन विद द स्किन प्रेप, हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो चुकी है मेकअप के लिए एंड जो हमारा अगला स्टेप है विच इज़ अ फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए आई एम टेकिंग दिस मेबरिन फिट मी फाउंडेशन. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फाउंडेशन फॉर एवरीडे बेसिस. बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज नहीं देता है बट स्किन लाइक फिनिश के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है. एंड आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. यार मेकअप ना आप जिससे करने में कंफर्टेबल हो, आप ब्रश से करने में कंफर्टेबल हो, ब्यूटी ब्लेंडर से करने में कंफर्टेबल हो, अपने फिंगर टिप से करने में कंफर्टेबल हो, आपको उसी से करना चाहिए. मैं ऐसे कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप भी वैसा ही करो. सो डन विद द फाउंडेशन. फॉर माई नेक्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर. दिस इज़ अ ऑल्सो वेरी गुड कंसीलर. फुल कवरेज नहीं है बट मीडियम कवरेज के साथ साथ बहुत ही प्यारा स्किन लाइक फिनिश देता है. बहुत हैवी नहीं है, एवरीडे बेसिस के लिए परफेक्ट है ये कंसीलर. एंड मैं अपने आईलिड्स पे भी आप देख सकते हो कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि मैं कोई आई शेडो प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं कंसीलर ही लगाती हूँ जिससे वो कलर अच्छे से उभर के आते हैं. सो डन विद द बेस मेकअप. अब आईब्रोज को फिल करेंगे जिसे मैं ऑफ कैमरा जल्दी से करके आती हूँ. अब हम अपने कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करेंगे जिसके लिए मैं ये लूज पाउडर ले रही हूँ फ्रॉम के बाय कैटरीना एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस पाउडर. नाउ इट्स टाइम फॉर आर आई मेकअप. आई मेकअप करने के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ. प्लीज़ पैलेट को देख के आप ऐसे कुछ मत बोलना, आई नो बहुत ही यूज़ एंड अब्यूज़ हो चुका है ये पैलेट. इसका जो मैं ट्रांजिशन वाला कलर है वो उसे अपने क्रीज एरिया में लगाऊंगी बहुत ही हल्के हाथों से. आप देख रहे हो मैं सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को ऐसे चला रही हूँ. नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग दिस काजल एंड दिस काजल इज़ फ्रॉम के बाय कैटरीना. बहुत ही प्यारा काजल है ये, बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है इसका. यू कैन सी मैं बहुत ही प्रिसाइसली नहीं लगा रही हूँ, रफली लगा रही हूँ बिकॉज हमें इसे स्मच करना है. तो मैं इसे ऊपर भी लगाऊंगी एंड मैं अपनी वाटर लाइन में भी इसे लगाऊंगी. इसे आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मोटा पतला कर सकते हो. अगर आपको इससे और ज़्यादा थिक रखना है तो आप डेफिनेटली रख सकते हो, या इससे कम रखना है आप वो भी. अब हम अपने वाटर लाइन को भी इसी काजल से फिल कर लेंगे. अब मैं वही सेम आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड जो डार्क ब्राउन शेड है उसको मैं ब्रश में लूँगी एंड बहुत ही हल्के हाथों से अब हम स्मच करेंगे इस काजल को. एंड यू कैन सी कितने हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, बहुत ही प्रिसाइसली जा रही हूँ. आपको बहुत ही ऐसे हैवी हाथों से नहीं करना है बिकॉज वो पूरा इधर का उधर हो जाएगा और जैसा आपको एक स्मोकी वाला इफेक्ट चाहिए होगा ना वो आपको नहीं मिलेगा. तो मेक श्योर आप जब ये वाला स्टेप कर रहे हो ना तो थोड़ा आराम से करो, टाइम लेकर करो जिससे आपको वो स्मोकी ब्राउन आइज वाला लुक मिले. अब मैं फिर से वही डार्क ब्राउन शेड लेके अपने वाटर लाइन को भी स्मच करूंगी. तो हमारा एक साइड तो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जल्दी से ऑफ कैमरा जाके दूसरा साइड भी करके आती हूँ. सो डन विद द आई शेडो एंड यू कैन सी कितना इजी है इसको क्रिएट करना. नाउ इट्स टाइम फॉर द मस्कारा. मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग द मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. दिस मस्कारा इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस फॉर एवरीडे. और मैं ब्लश के लिए कलर बार का ब्लश यूज़ कर रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन, स्पेशली दिस कलर पीच शेड जो है बहुत ही प्यारा लगता है चीक्स पे.
एंड फॉर माई हाईलाइटर आई एम टेकिंग दिस मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर. ये बहुत ही हाई एंड वाली फिनिशिंग देता है. अगर आपने अभी तक इसको नहीं यूज़ किया है ना, गो एंड बाय दिस वन, यू विल लव इट फॉर श्योर. And for my lipstick, I'm taking this beautiful nude shade from K by Katrina and the shade name is Rumor. अगर आप nude look create कर रहे हो ना तो ये बहुत ही प्यारा जाता है. We are gonna do our last step, which is a setting spray, and this one is from Swiss Beauty. Of course, आधा से ज़्यादा लोग इसे पहचानते होंगे. So yeah, guys, we are done with our makeup and फाइनल टच देने के लिए बिंदी, योर रिंग्स, यू नो मी, इसके बिना इंडियन मेकअप पूरा नहीं होता. सो या गाइज, दिस लुक वॉज दैट ईजी. और मैंने ट्राई किया है कि आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँ, जिससे अगर आप क्रिएट करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू.